नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर ललन सिंह का तंज, ललन सिंह पर अखिलेश सिंह का पलटवार, शुभ संकेत मिल रहे। तेजस्वी ने गमछा उद्योग छीन लिया, बोले जेडीयू MLC। तेजस्वी के सांसद सुधाकर सिंह को थानेदार ने धमकाया, RJD का तंज, मुख्यमंत्री जी आपको बुला कौन रहा है। तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले में 5 बदमाश अरेस्ट, BPSC शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की दोबारा जांच की मांग। पटना में सोमवार को नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। बिहार में मगध एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बटी, कपलिंग टूटी। बिहार में बढ़े डेंगू के मामले, 24 घंटे में 62 केस। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 10 सितंबर से शुरू होने वाली बिहार यात्रा पर तंज कसा है और कहा है कि वो जहां चाहे वहां यात्रा करे। इस राज्य में हर किसी को घूमने की पूरी छूट है, कितनी भी यात्रा कर ले, लेकिन अंत में लड्डू ही मिलेगा। इसलिए हम लोग उनकी यात्रा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पटना में JP नड्डा के कार्यक्रम में CM नीतीश ने एक बार फिर से कहा कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, दो बार गलती हो गई। राजद द्वारा नीतीश कुमार के बार बार सफाई देने के सवाल पर भी ललन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि RJD को यह मालूम होना चाहिए कि सफाई देना क्या होता है। मुख्यमंत्री नीतीश अपनी गलती स्वीकार रहे हैं और इसमें सफाई की बात कहाँ से आती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि अब NDA को छोड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे, दो बार उन लोगों के साथ गए, वह गलती हुई। इस पर कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यही बोलकर इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते रहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर बिहार के विकास पर ध्यान नहीं देने का भी आरोप लगाया है। आज पटना में अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की बदहाली, बिगड़ी विधि व्यवस्था और अशिक्षा, बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं और ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर वाली बातें करते हैं। सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ गंभीर बेरोजगारी, अशिक्षा है, पलायन की समस्या है। JDU MLC नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू शासनकाल में बिहार में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था थी, ये आपको पता ही होगा। चरवाहा विद्यालय खोले गए, लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। नीतीश कुमार ने देश में एक लकीर खींची है, किसानों की परिभाषा तय की है, स्वास्थ्य विभाग में मिसाल पेश किया है। हिना शहाब और लालू यादव की मुलाकात पर कहा कि मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अल्पसंख्यक इनकी नीयत को भली भांति पहचान चुकी है। मुलाकात से पहले लालू यादव यह बताया कि हिना साहब से अलग क्यों हुए थे। राजद के प्रति मुसलमानों की रुचि अब समाप्त हो चुकी है, अब तो उनके व्यवसाय को भी तेजस्वी ने छीन लिया है। अल्पसंख्यक समाज के कई लोग गमछा उद्योग से जुड़े हैं, अब तो अपने कार्यकर्ताओं को गमछा रखने से भी तेजस्वी ने मना कर दिया है। बक्सर से RJD सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर जिले के रामगढ़ थाना प्रभारी पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फोन किया था। सवाल पूछते ही थाना प्रभारी भड़क गए और कहा, MP MLA को पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जहां शिकायत करनी है कर दीजिएगा। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि 2 सितंबर को अभिनंदन कुमार ने मुझे फोन किया था, फोन रिसीव करते ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसकी लिखित शिकायत उसी दिन रामगढ़ थाने में की। 7 सितंबर को नरहन और लबेदाहा के स्थानीय किसानों ने मुझे बताया था कि रामगढ़ थाना प्रभारी की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है, इन दोनों मामलों को लेकर फोन किया था। राजद सांसद ने कहा कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसानों की समस्या को लेकर थाना प्रभारी से बात की तो मुझे ही बुरा भला कह दिया गया। कैमूर SP से शिकायत कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पिछले दिनों पटना आए थे। उनके उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि दो बार उधर चले गए, गलती हुई, अब नहीं जाएंगे। उनके इस वादे के बाद RJD ने पहली बार कहा कि कौन आपको बुला रहा है। RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बार बार क्यों गलती करते हैं मुख्यमंत्री जी, सब पैच। RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि बार बार क्यों गलती करते हैं मुख्यमंत्री जी की सफाई देनी पड़ती है। आपके सागिर्दों ने कहां लाकर आपको खड़ा कर दिया है, यह स्वभाव बिहार के हित के लिए ठीक नहीं है। राजद में आते हैं तो कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर आप गए, PM का पैर भी आपने छुआ। कितनी बार बिहारीपन का मजाक उड़वाइएगा, बिहार के अतीत पर कालिख नहीं पोती।
पूर्णिया के तनिष शोरूम में 26 जुलाई को 3,70,00,000 की डायमंड की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 ने तनिष शोरूम के अंदर घुसकर लूटपाट की थी, जबकि पकड़े गए बदमाशों में से एक ने इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। फिलहाल बैंक का पासबुक और मोबाइल जब्त हुआ है। डायमंड लूट कांड मामले में पुलिस और SDF ने अब तक 12 बदमाशों को अरेस्ट किया है। लाइनर की भूमिका निभाने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही धर दबोचा था। इनमें से 2 ने पहले भी कई राज्यों में सोना लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों में मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के राजाराम गोपालपुर निवासी सुजीत कुमार का बेटा प्रशांत गौरव है। इसके अलावा सरसी थाना क्षेत्र के हेमनगर बलुआ निवासी प्रकाश झा का बेटा सोनू झा, मनियारी थाना क्षेत्र के मनियारी माथौड़ निवासी रघुनाथ पासवान का बेटा बिट्टू कुमार पासवान अरेस्ट हुए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले और दूसरे चरण में बहाल हुए फर्जी तरीके से शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच दोबारा होनी चाहिए। इसकी मांग छात्र नेता दिलीप कुमार ने की है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। काउंसलिंग के दौरान अच्छे से सर्टिफिकेट की जाँच नहीं की गई, जिसमें फर्जी SSC सर्टिफिकेट के अलावा कई फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए हैं। छात्र नेता दिलीप ने कहा कि एक नया मामला भी अभी सामने आया है, जिसमें एक रोल नंबर पर 2-3 शिक्षिकाओं की बहाली हो गई है। इसका खुलासा हम जल्द करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें कई फर्जी शिक्षक बने हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र और यहां तक कि उनका बायोमेट्रिक भी फर्जी है। पटना में ऑटो रिक्शा और कैब चालक सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से हड़ताल की घोषणा की गई है। सुबह 9 बजे टाटा पार्क में सभी चालक इकट्ठा होंगे और यहीं से पैदल मार्च करेंगे, गर्दनीबाग धरना स्थल तक जाएंगे, रूट परमिट और कलर कोडिंग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शनिवार देर रात लोक मोर्चा ने खुद को इससे अलग कर लिया है। फेडरेशन के महासचिव राजकुमार झा ने बताया कि सोमवार को परिचालन बंद रहेगा। समर्थन में दूसरे जिलों से भी चालक पटना पहुंच रहे हैं। बंद का समर्थन पटना ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष पप्पू राय, ई रिक्शा चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार, रवि रंजन सोनी कैब चालक संघ के प्रभात सिंह ने किया है। दावा है कि सभी चालक धरने में शामिल होंगे। पटना से जा रही मगध एक्सप्रेस आज रघुनाथपुर और टूरीगंज के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन की कपलिंग टूटने से गाड़ी 2 भाग में बंट गई। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हावड़ा दिल्ली रेल रूट पर धरौली हॉट के पास ये हादसा हुआ है। कपलिंग टूटने के बाद तेज झटके के साथ ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकते ही सभी यात्री जैसे तैसे ट्रेन से उतरे, कोई इमरजेंसी खिड़की से कूदा तो कोई धक्का मुक्की कर गेट से। हादसा दिन में तकरीबन 11:07 पे हुआ। इंजन के साथ 13 कोच आगे बढ़ गए जबकि 9 कोच पीछे रह गए। करीब 70 मीटर दूर जाकर ट्रेन रुक गई। इस घटना के बाद 3 घंटे ट्रेन परिचालन ठप रहा। 2 बजे के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप है। रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे सुरक्षा बल की टीम भेजी गई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 62 और 48 घंटे में डेंगू के करीब 142 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 37 मामले राजधानी पटना के हैं। पटना के सभी इलाके में डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। सबसे अधिक मरीज बांकीपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद अंचल में मिल रहे हैं। ज़्यादा प्रभावित मोहल्लों में कंकरबाग, पटेल नगर, शिवपुरी, राजा बाजार, बाजार समिति, कुर्जी मोड़, चिरैयाटार, पोस्टल पार्क, पुनाईचक, राजीव नगर, लोदीपुर, दिघा, नेहरू नगर, शास्त्री नगर, कुर्जी आदि शामिल हैं। वहीं पटना में डेंगू मरीजों की संख्या 496 हो गई है। दूसरे नंबर पर गया है जहां 61 मरीज मिले हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 55, समस्तीपुर में 46 मरीज अब तक इस सीजन में मिले हैं। डेंगू मरीजों की संख्या 1068 हो गई है।